भोपाल में फ्रंटलाइन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में लगभग 1200 स्थानों पर वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। देश की और ताकत जो सुख समृद्धि नहीं देखना चाहती है, उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर भी कई बातें की थी, लेकिन पूरी दुनिया ने मोदी को स्थापित किया है कि भारत किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकता है। कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविर पर कहा, सबसे पहले प्रशिक्षण कांग्रेस के पप्पू गांधी को मिलना चाहिए। कांग्रेस ने किस चीज़ का प्रशिक्षण होगा, वो सिखाएंगे कि भ्रष्टाचार कैसे करते हैं, क्योंकि जो प्रशिक्षण देंगे उन्होंने भी राजनीति के माध्यम से भ्रष्टाचार ही किया है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, केवल नारे लगा देने से और वादे करने से काम नहीं चलता। दलित के खिलाफ इनकी क्या भावना है और दलित के खिलाफ ये क्या क्या अत्याचार करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण पिछली बार का राज्यसभा का चुनाव है, जब एक बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया को हराने के लिए साम्राज्यवादी दिग्विजय सिंह के पक्ष में क्रॉस वोट कराए गए कांग्रेस द्वारा। ये सीधा सीधा उदाहरण था दलितों के खिलाफ कांग्रेस की रीति का, नीति का। और इसीलिए कांग्रेस ने हर समय दलितों का और आदिवासियों का अपमान किया है, ये इस देश में स्थापित हो चुका है। इसलिए सही मायने में फूल सिंह बरैया जी के चुनाव में जिस ढंग से दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में क्रॉस वोट हुए थे और षड्यंत्र पूर्वक रूप से फूल सिंह बरैया को हराया गया था, उसी दिन ये स्थापित हो गया था कि कांग्रेस की रीति नीति दलित विरोधी है। अब बातें कर देने से काम नहीं चलेगा, केवल और केवल नारे लगा देने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस शुरू से दलित और आदिवासियों की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार होती है, क्योंकि चुनाव की तैयारी के लिए कुछ अलग नहीं करना। जनता के बीच जनता का कल्याण और जनता के विकास के एजेंडे को लेकर हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कभी भी चुनौती नहीं रहा। चुनाव तो हम जनता के बीच जाके अपने कार्यक्रमों के माध्यम से चुनाव जीतने का प्रयास भी करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि पांचों साल तक कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रियता बनी रहती है, इसलिए चुनाव हमारे लिए कोई अलग से प्रकल्प है ऐसा नहीं है। चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी हर समय रहती है। कांग्रेस में प्रशिक्षण तो केवल नेता भ्रष्टाचार करने का दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति क्या है, दिल्ली से लेकर और भोपाल तक केवल और केवल भ्रष्टाचार करना, अनाचार करना, अत्याचार करना। और जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता ही अप्रशिक्षित हो, वो नीचे के कार्यकर्ताओं को क्या प्रशिक्षण देंगे। इस देश में यदि किसी राजनीतिज्ञ को सबसे अपरिपक्व माना जाता है तो वो पप्पू गांधी जी हैं। सबसे पहले तो पप्पू गांधी जी का प्रशिक्षण होना चाहिए, और यदि ये प्रशिक्षण देंगे भी तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी क्या प्रशिक्षण देंगे कि चलिए साहब बहुत प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हिंदुस्तान में चल रहा है, उसके फ्रंटलाइन वर्कर की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। हमारी व्यवस्थाएं एकदम चोक शोबंद है। मध्य प्रदेश के लगभग 1200 स्थानों पर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम 1,20,000। कांग्रेस में प्रशिक्षण होगा काय का, क्या ये सिखाएंगे कि भ्रष्टाचार कैसे करते हो, क्योंकि जो प्रशिक्षण देने आएंगे उन्होंने तो केवल और केवल राजनीति के माध्यम से भ्रष्टाचार ही किया। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार का प्रशिक्षण जरूर दे सकती है, और वो देना इसलिए भी उनको जरूरी है क्योंकि वही तो उनकी मूल रीति और नीति है। केवल और केवल देश की राजनीति को बिगाड़ना, धर्म और जाति की राजनीति को आगे बढ़ाना, तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना, और राजनीति के माध्यम से परिवारवाद,
संप्रदायवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना ये कांग्रेस की रीति नीति है करते हैं। हमारी सरकार संवाद में विश्वास रखती है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय हर वर्ग के लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं और उसी कड़ी में आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस है। चुस्त दुरुस्त प्रशासन, पारदर्शी सरकार, विकासमूलक कार्यक्रम और जन कल्याणकारी हमारी जनता की सेवा, यह हमारी सरकार का मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश में माफिया नहीं जी, निश्चित रूप से हम तो पहले से कहते आए ये विघ्न संतोषियों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल करने का एक मुहिम चलाई थी। इस देश में वो ताकतें जो देश में सुख और समृद्धि नहीं देखना चाहती, जो देश में लगातार अफवाह फैलाकर देश की आबो हवा को बिगाड़ना चाहती है, उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न लगाए थे। पर वैक्सीन हमारे पार्टी का सीधा सीधा उद्देश्य है जनता की सेवा करना और इसीलिए मैंने अपने पूरी वर्किंग में ये सुनिश्चित किया है कि आईटी सॉल्यूशंस को उपयोग करते हुए जनता की हर समस्या का हम निवारण भी करें और इसकी इत्तला, इसकी सूचना समय पर उस व्यक्ति को भी मिल सके। इसलिए हमने अपनी ऑफिस की इंटरनल व्यवस्था की है, सभी लोगों का पोर्टल के माध्यम से हम रजिस्टर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।